Our country today needs some hope. Let's bring it with Vedanta's Brave Hearts. मेरा नाम तारिक अहमद है और मैं डल लेक में रहता हूँ और मेरी पैदाइश डल लेक में हुई है। पिछले साल कोरोना ने मुझे अपना शिकार बना दिया। मैं बहुत बीमार पड़ा था, बहुत ज़्यादा, और कोई मुझे मदद के लिए आगे नहीं आया। लोगों में बहुत ज़्यादा डर था तो उसकी वजह से वो आगे नहीं आए, मगर मैं उनको दोष नहीं ठहराऊंगा। महामारी के साथ साथ अफवाहें बहुत ज्यादा फैल रही थी। हमारे यहाँ कोई फैसिलिटीज नहीं है, आज तक यहाँ पे डिस्पेंसरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे भाई और मेरे दोस्त ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया, वहाँ पे एडमिट किया गया। एंड हॉस्पिटल में ही मैंने सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। इस महामारी को मात देने के लिए मदद का हाथ तो बढ़ाना ही होगा। जब डॉक्टर मेरा हाल सुधार रहे थे तो मैं अपने लोगों के बारे में सोच रहा था कि मैं कैसे उनकी मदद करूं। मेरा यही जुनून था कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं एक एम्बुलेंस बनाऊंगा और उस एम्बुलेंस की जो फैसिलिटीज मैं सबको दे दूं। मैं तो पार हो गया, पर अब दिल में जुनून था इस मुश्किल से हर जरूरतमंद को पार लगा। एम्बुलेंस शिकारा बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मगर एक ट्रस्ट की मदद से मुझे एक नई राह मिली और मैं कामयाब हो गया। तकरीबन इसमें एक महीने का टाइम लग गया। मैंने एक नॉर्मल शिकारा को डिज़ाइन किया है। जब मैंने गूगल में चेक किया तो वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव जो एम्बुलेंस थी फेबर ग्लास की, तो मैंने एक नॉर्मल शिकारा जो एक वुडन है उसको ही थोड़ा बढ़ा के वही बना दिया। अब ये शिकारा एम्बुलेंस पूरी सुविधा के साथ मरीजों को झील के उस पार ले जाएगी, लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी और मेरे इरादों को मंजिल मिल जाएगी। मेरे लोगों से यही गुजारिश है कि इस मुश्किल वक्त में अपना नहीं दूसरों का भी ख्याल रखें। Saluting the Brave Hearts, Vedanta, देश की जरूरतों के लिए।